अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू आर फाइन के साथ सब लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज ही मैंने कहा आप लोगों की फरमाइश पूरी कर लेती हूँ, मैं आपको अपनी बेडशीट्स दिखाती हूँ। ऐसा है कि मेरे पास काफी ज्यादा बेडशीट्स हैं, तो वो एक व्लॉग में नहीं आ जाएंगे। अगर वो सारी की सारी दिखाऊंगी तो वो आधे घंटे की वीडियो बनेगी। ऐसा है कि व्लॉग नंबर 2 में आप बेडशीट्स दिखा देंगे और आज कुछ दिखा दूंगी। और आपको मैं बता भी दूंगी कि कौन सी बेडशीट मैंने कहाँ से ली थी। बाकी जो है ना, अब हम लोग व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब जो है ना मैं आपको बेडशीट नंबर 1 दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बेडशीट नंबर 1 है, ये मैंने ली है ऑनलाइन हानिया टेक्सटाइल से, ठीक है। हाँ, इसके साथ एक कुशन भी था, वो भी मैंने नहीं बिछाया हुआ। ये 7 पीस थी, 2 पिलोस थे ये लाइनिंग वाले, ठीक है, और ये 2 पिलोस ये वाले थे। और ये बेडशीट मैंने 3 से 4 टाइम बिछाई है, इसको वॉश किया हर टाइम। आप इसका कलर देख लें, ये कहीं से भी फेड नहीं हुई। और इसकी जो प्राइस है, ये मैंने मंगवाई थी सेल पे 2500 रुपीज़ की। अच्छा जी, तो अभी जो है ना मैंने आपको बेडशीट नंबर 1 दिखा दी है, ठीक है। ऐसा सीन है कि ये वाली जो बेडशीट मैंने आपको बताई है हानिया टेक्सटाइल की, इंस्टाग्राम पे पेज है, आप लोग देखें तो वहां से आप लोगों को मिल जाएगी। अब डॉलर का प्राइस बढ़ गया है, पहले इनकी 2500 या इस तरह से रेट होता था, लेकिन अब जो है ना इनका जो रेट हो गया ना वो 3300 इस तरह से। लेकिन अगर आपको कॉटन साटन में या थोड़ी लग्जरी लेनी है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो इनका जो कपड़े की है ना, वो गारंटी मैं देती हूँ, मेरे कपड़ा जो मैंने इनसे बेडशीट्स ली है ना, वो फेडेड नहीं हुई। तो अभी जो है ना मैं आपको एक और बेडशीट दिखाती हूँ। ये इस रूम में ब्लू कलर की बेडशीट बिछी हुई है, ये बहुत बहुत मेरी फेवरेट है। ये यहाँ की नहीं है, ये बेसिकली टेड बेकर की है, ठीक है। और ये इम्पोर्ट किया था किसी बंदे ने, तो अब इम्पोर्ट बंद हो गई है। तो ये कुछ बेडशीट्स आई थी जो कि उस टाइम मैंने ले ली थी, ठीक है। ये सारी इम्पोर्टेड ये बेडशीट, अब देखें ये प्लेन इसके साथ बेडशीट है, और ये जो है ना 2 पिलोज है इसके साथ, और 2 वाइट पिलोज है और 2 जो है ना ब्लू पिलोज है। तो आप इसका प्रिंट देख लें। ये जो बेडशीट है ना, ये मुझे कोई मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी, क्योंकि ये ब्रांड की थी और इस बंदे ने इम्पोर्ट किया था। तो ये जाके मुझे जो है ना 15,000 या 17,000 इस तरह से पड़ी थी। लेकिन ये जो कपड़ा है ना, ये कॉटन नहीं है, ये कॉटन साटन है। कोई ऑनलाइन पेज वगैरह नहीं है, वो इम्पोर्ट भी नहीं करे। कुछ बेडशीट थी जो मैंने ले ली थी उनसे, तो वो एंड हो गया। अच्छा, जो अभी जो मैंने आपको दिखाई है, जो मैंने इम्पोर्ट की थी बेडशीट जो बाहर से आई थी, उसकी लुक की टोटली चेंज है, क्योंकि उसका कपड़ा जो है वो कॉटन साटन है। कॉटन साटन की बेडशीट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वो बहुत अच्छी हो। हाँ, बहुत सिल्की ना हो, लेकिन ये कि कॉटन साटन बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको बेडशीट नंबर 3 दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये बिछी हुई है, ये पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन मैंने कहा अभी मैं आपको डिटेल्ड इसकी वीडियो दिखा देती हूँ, ठीक है। वो ये है कि आप ये देखें, चेक प्रिंट वाला जो बेडशीट का है स्टफ, वही पीछे वाले तकियों का है, और जो कंफर्टर का है वो फ्रंट वाले तकियों का है, ठीक है। तो ये जो है मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी, ये DHA में वाई ब्लॉक में एक शॉप है, ठीक है, उसका है। अब इसका जो कंफर्टर था ना, मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ कि जो कंफर्टर है ना, वो काफी मोटा था और चौड़ाई भी ज्यादा थी। ये नहीं था कि चौड़ा नहीं था और ज्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जो मैंने आपको पहले सबसे नंबर 1 बेडशीट दिखाई है हानिया टेक्सटाइल की, उसका कलर बिल्कुल भी नहीं फेड हुआ। इसका कलर मुझे कंपैरेटिवली लगता है कि थोड़ा सा फेड हो गया है, ठीक है। अब माइट बी पॉसिबल कि ये शायद हमारी कोई गलती हो, मेरी कोई गलती हो, कि इसको धूप में ज्यादा देर के लिए रखा है। कपड़ा बहुत अच्छा है इनका, लेकिन ये थोड़ा सा फेड हो गया है। तो इनका भी भाई का नंबर मैं नीचे आपको दे दूंगी, अगर आप लोगों ने ऑर्डर पे बेडशीट्स बनवानी हुई तो जो है ना वो बना रहे थे। और इस बेडशीट की जो प्राइस है वो 5000 रुपीज थी, मैंने खुद ऑर्डर पे बनवाई थी, मतलब वहां पे जाके सिलेक्ट किया था कि ये वाला कपड़ा चाहिए, ये वाला, तो उन्होंने मुझे स्टिच करके दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेडशीट नंबर 4, ये भी मैंने ऑर्डर पे बनाई है। इसका ये सीन है कि इसके जो पिलोज है ना, 4 के 4 पिलोज सेम है, ठीक है। इसका ये नहीं है कि डिफरेंट है, इसकी नीचे ये बेडशीट है, ठीक है। और ये देखें जी, कंफर्टर है इसका। अच्छा, ये भी मैंने जो है ना DHA से खुद ही बनवाई थी। अब आप ये देख लें, इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है और ये बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ, ये फेड नहीं हुआ। और ये भी मुझे 4500 रुपीज का विथ कंफर्टर बनाया था। और जो है ना इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ठीक है, वो ये है कि अगर आप लोग मतलब कंफर्टर कवर बनवाएंगे ना, अभी मैं आपको कंफर्टर कवर दिखाती हूँ, मेरे पास है कुछ, मैंने निशात से लिए थे, तो उसका ये सीन होता है कि वो जगह जो है ना कम लेते हैं। जो ये मोटे मोटे ये वाले कंफर्टर्स होते हैं ना, इनके लिए स्पेसिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और जो वो फिलर होता है, उसके साथ ये होता है कि आप फिल कर लो, अंदर डाल लो,
तो वो एक प्रॉपर वो बन जाता है, उसका भी बहुत फायदा होता है और वो सस्ते बनते हैं। वो बेडशीट्स आपको मिलेंगी 3500 रुपीस की। अब मुझे नहीं पता रेट्स, क्योंकि अब डॉलर बढ़ गया तो महंगाई बहुत हो गई है। क्या पता ये 5000 वाली बेडशीट अब वो 6000 में बना के देते हो। अच्छा जी, अब ये देखिए बेडशीट नंबर 5 है। ये भी मैंने GHA किससे बनवाई थी, जो शॉप मैंने आपको बताई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखे ये लाइनिंग्स है, ठीक है। अब यही बेडशीट अगर आप लोग इस तरह बनी बनाई विद कम्फर्टर वाली लेंगे ना, तो वो तो आपको इतनी, बल्कि कम्फर्टर वाली भी नहीं आपको मिलेगी, वो बहुत एक्सपेंसिव आपको मिलेगी, 12,000-13,000 अगर आप निशात से लेंगे या आप सफायर वगैरह से लेंगे, ठीक है। तो ये देखे जी, ये पिलोज हैं, दो ये हैं, ये भी मैंने बनवाई है, और इसके चारों तरफ देखें ये वाली पट्टी हुई हुई है, लगी हुई है कम्फर्टर पे, ठीक है। और ये देखें कम्फर्टर भी बहुत बड़े बड़े हैं, आप देखें पूरे बेड पे ये आ रहा है कम्फर्टर, ये नहीं है कि ये बहुत छोटा हो। और ये भी फेड नहीं हुआ, सिर्फ एक बेडशीट जो थी जो मैंने आपको रिव्यू दिया वो फेड हुई है, बाकी नहीं हुई। अच्छा जी, अभी जो है ना मैं आपको एक बेडशीट नंबर 6 दिखाती हूँ और ट्रिक बताती हूँ, बहुत वार्ड से आप लोगों ने सुनना है। ये देखें जी, ये मैंने व्हाइट कलर की पहले बेडशीट थी, उसके ऊपर ब्लू कलर की बेडशीट मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। अब ये जो बेसिकली है ना, ये देखें क्लोजअप से देखें, ये बेडशीट थी, ठीक है। ये मुझे गिफ्ट दी थी उनसे, मैंने पूछा था कि मुझे बहुत पसंद आई है तो ये कितने की अंदर है, कि हम लोगों ने 2000 रुपीस की ये ली थी, ठीक है। ये सिर्फ दो तकिए थे और ये वाली इसके साथ बेडशीट थी, ये नहीं थी। अब ये वैसे एज अ बेडशीट है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वाइट चादर के साथ जो है इसको मतलब एज अ कम्फर्टर यूज कर लें, जिस तरह से मैंने बिछाया है, ठीक है। अब आप लोग देख लें, इस तरह लग रहा है कि इसी के साथ का है। और अगर आपको यूं नहीं पसंद, आप लोगों को पसंद है कि हम लोग बेड पे कम्फर्टर ना बिछाएं, सिर्फ सेपरेट बेडशीट बिछाएं, तो इसको आप एज अ सिर्फ बेडशीट के तौर पर भी बिछा सकते हैं। तो बस आप लोग फिर इस तरह से कर लें, 2-in-1 वाला काम भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया। ये देखिए बेडशीट नंबर 7 है, इस बेडशीट के साथ का कम्फर्टर नहीं है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, पता नहीं इसका ब्रांड नहीं लिखा हुआ था इसके ऊपर। लेकिन मैं एक और बात बताती हूँ, ये जो कपड़ा है ना इसका, कमाल कपड़ा है, बहुत अच्छा। ये भी कॉटन साटन में है, ये देखें ना आपको ऐसे लग रहा है सिल्क सा बिछा हुआ हो, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इसके साथ कम्फर्टर नहीं है। मुझे जो है ना कम्फर्टर वाली बेडशीट्स पसंद आती हैं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता सर्दियों में, गर्मियों में हम लोगों ने ब्लैंकेट वगैरह जो भी लेना होता है, तो आप एज अ कम्फर्टर यूज लो। इस तरह की बेडशीट्स आप लोगों को मिलेंगी आइडियाज पे और सफायर वगैरह पे, इस तरह से आपको मिल जाएंगी। और बेडशीट दिखाती हूँ, वो भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। ये देखें जी, ये बेडशीट है, ये अभी मैंने निकाली है, ऊपर पड़ी हुई थी, और इसके पिलोज अब मुझे नहीं मिल रहे। ये जरा प्लेन, इसके साथ पर्पल कलर की बेडशीट है, ठीक है। और ये कम्फर्टर जो था ना, इसके साथ के 2 पिलोज है, और ये गोल्डन से कलर के पर्पल में, और ये सिल्क की है, ये लग्जरी है, जिस तरह से ब्राइड्स वगैरह ने लेनी होती है या कुछ इस तरह। तो ये जो कम्फर्टर है, ये आइडियाज से लिया था जो मेरी शादी हुई थी उसके कुछ अर्से के बाद। ये ब्राइडल बेडशीट थी, बहुत अच्छी, ये मैंने शिनेर से ली थी, ठीक है। आज से 4 साल पहले मेरी शादी हुई है, तो ये बेडशीट मुझे 24,000 की मिली थी, सेल पे नहीं मिली थी। लेकिन शिनेर की बेडशीट्स जो होती हैं, मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा तिल्ला वर्क हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये है कॉटन, ये सिल्क नहीं है, क्योंकि मुझे सिल्क की जो बेडशीट्स होती है ना, वो इतनी नहीं पसंद। और आप कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना अच्छा है। और ये जो है ना, ये कम्फर्टर कवर है, ये देखें। अब सर्दियों में आप जो है ना, ये बटन्स खोल लें और इसके अंदर रजाई डाल दें, तो ये रजाई भी बन जाएगी। और अगर गर्मी है तो आप इस तरह से, जैसे मैंने अभी ये कम्फर्टर इस तरह से डाला हुआ है, ये देखें ये फुल लुक, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से डाल देते हैं। ये शॉकिंग पिंक और ब्राउन कलर का है। अब इसकी जो बेडशीट है, एक दफा खर्चा किया था, लेकिन अभी तक आप देखें कहीं से भी ये फेडेड नहीं हुई। वैसे मैंने इतनी इसको ज्यादा बिछाया भी नहीं है, और ये सोने में भी चुभती नहीं है, बहुत अच्छी है। शिनेर पे भी आप लोग देख सकते हैं। आपको हानिया टेक्सटाइल का बताया, वो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनसे, और उनका जो है वो मतलब फेडेड भी नहीं हुई बेडशीट्स वगैरह, बहुत अच्छी रही है। आपको जो बाकी मैंने दिखाई है अभी, शिनेर की बेडशीट जो मैंने आपको दिखाई है वो बहुत अच्छी थी। मैंने 4 साल पहले बेडशीट ली थी, मैंने जो अपनी मतलब वेडिंग बेडशीट ली थी ना, वो भी मैंने सिल्क के ऊपर नहीं ली थी, क्योंकि सिल्क की बेडशीट एक तो मतलब खराब बहुत जल्दी हो जाती है, फिर बच्चे अगर बाद में हो जाए तो वो यूटिलाइज ही नहीं होती। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि आप लोग सिल्क की बेडशीट ना लें, शिनेर पे इस तरह ले लें। जब सेल लगा करे, अब तो और भी महंगी हो गई होंगी, 35,000 की लग्जरी जो बेडशीट है वो इतने की है, और मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। जब सेल लगी होती है तो तब कोशिश करें कि वो बेडशीट्स ले लें। जो सफायर है, निशात लीलन है, और बाकी जो है ना आइडियाज, तीनों से मैंने बेडशीट्स ली हैं। सबकी बेडशीट्स बहुत अच्छी होती हैं, उनके जो कम्फर्टर है वो ऑलरेडी मोटे मोटे होते हैं, मतलब 12,000 में आपको मिल जाएगा, 11,000 में मिल जाएगा, कम भी मिल जाएगा।
वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे बेडशीट जो है इछरे में मिलती है बहुत अच्छी, और प्रिंट्स भी दिखा दिया। बाकी की जो रिमेनिंग जो रह गई है वो मैं आपको दिखाऊंगी और ब्लॉग में। अगर आप लोगों को कुछ पता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेरे से ज्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है, कोई और ब्रांड्स आप लोग बेडशीट्स लेते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं भी वो ट्राई करूंगी और फिर उसके बारे में रिव्यू दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, फिर हमारा अल्लाह।